यहां हम इनफर्टिलिटी की बात किए थे, तकवे के हिसाब से हमने उसको दो डिफाइन किए थे, मेल और फीमेल कॉज। 40% कॉजेस बिलोंग टू मेल एंड 40% रीजन इज बिलोंग टू मेल एंड 40 बिलोंग टू फीमेल। ये दो सबक थे। अब इसमें 40-40 के बाद में 20% अननोन रीजन। नाउ वी आर डिस्कसिंग 40% फीमेल रीजन। अगर हमारे पास एक फीमेल इनफर्टिलिटी केस आ गए तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड कौन रहता है मालूम? हम लोग, जबकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। दुनिया भर की फाइल, दुनिया भर की चेकअप, दुनिया भर की हार्मोन, इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी तस्वीरें फोटोग्राफी के साथ आता है, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम परेशान हैं। तमाम रिपोर्ट के साथ आ रहे, पेशेंट खुद नहीं आ रहे, यही सबसे ज्यादा परेशानी है। रिपोर्ट सबसे पहले फीमेल के अंदर दो चीज का ध्यान रखो, मैंने कल बताया लास्ट लेक्चर में। फीमेल को अल्लाह ताला ने, हमने चाइनीज में यिंग यांग पढ़े या मुजक्कर और मुअन्नस पढ़े या नेगेटिव पॉजिटिव पढ़े या हॉट एंड कोल्ड पढ़े, ये सब चीज के एक वजूहत क्या है? फीमेल को एक मनफी कैफियत से बनाया, मुजक्कर नहीं मुअन्नस है, तो उसकी तमाम कैफियत के अंदर भी वो एक सुस्ती, एक लागरी, एक कमजोरी, एक हाइपो बना रहता है, इवन सोच में भी। तो ज्यादातर याद रखो, फीमेल के अंदर फीमेल फीमेल होने की एक खुद की कैफियत है। बा इतिबार हमने पढ़े थे मिजाज, बा इतिबार है सनफी, बा इतिबार है जिनसी, बा इतिबार है इलाके के हिसाब से। तो फीमेल को बा इतिबार है, भले फीमेल के अंदर गरम गरम भी औरतें रहे, लेकिन ओवरऑल एक मनफी मोनस बलगमी कैफियत उनके अंदर होता है। अब दो चीज याद रखो इसके अंदर, ओवुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। लाइक यूनानी में हमने, मतलब फीमेल मेल के अंदर हमने पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म और स्पर्मेटो जितनी हद तक रोल अदा करता है, क्योंकि मेच्योर्ड स्पर्म मूव करके वजेना से, सर्विक्स से, यूट्रस से, फेलोपियन ट्यूब तक भागने वाली हाईली एक्टिव स्पर्म चाहिए। हम लोग करोड़ों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म से भाग के, जैसे मैराथन में भागता है 5 लाख लोग शुरू करते, लेकिन एक आदमी जीतता है, पहुंचता है 30-25 किलोमीटर भागता है, वैसे करोड़ों बीज में से, करोड़ों स्पर्म में से, करोड़ों माध्यम मानवीय की किरण से हम लोग सब वजूद में आया है। यहां फीमेल के अंदर सिर्फ एक ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन पकना, द वर्ड याद रखो, ओवुलेशन, अंडे को पकाना, अंडे को फोड़ना। कुदरत में क्या काम है? केमिस्ट्री के हिसाब से मत सोचो, हार्मोन के हिसाब से मत सोचो। ग्राफियन फॉलिक्यूल फ्रैक्चर होके ओवरी से ओवम बाहर आके फेलोपियन ट्यूब में आके रुकता है। ये प्रोसेस करने वाले दुनिया की तमाम हार्मोन को भूल जाओ, तमाम पीसीओडी को भूल जाओ, तमाम फाइब्रॉइड को भूल जाओ, तमाम एंडोमेट्रोसिस को भूल जाओ। राइट नाउ सिर्फ 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 कैफियत के बारे में सोचो। हार कैफियत ओवुलेशन को प्रमोट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए कुछ औरतें ऐसे होते कि उनको बराबर मालूम रहते ओवुलेशन का डेट, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी के अंदर एक फीवरिशनेस, बॉडी के टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है ओवुलेशन के टाइम। सो एक फैक्ट अपने सामने आया, ओवुलेशन के लिए गर्मी की जरूरत पड़ती है। अगर किसी को ओवुलेशन प्रमोट करना है तो याद रखो, गर्म दवा की जरूरत पड़ती है, नॉट ठंडा दवा। ये खुली उमूर है। बहुत सारे रिपोर्ट में मैंने देखे ओवुलेशन परफेक्ट है, पीसीओडी है, छोटा सा फाइब्रॉइड भी रहने देना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, पीसीओ, अगर पीसीओडी की वजह से ओवुलेशन अगर नहीं हो रहे, देन यू ट्रीट द पीसीओडी, देन यू ट्रीट द फाइब्रॉइड। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिसको पीसीओडी भी रहते हैं, इसका पीरियड इरेगुलर होता है, दो दो महीने में आता है, बच्चे 4-5 बच्चे इनको,
लेकिन डॉक्टर जिद पे आ जाते, नहीं 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 पीसीओडी अगर रहा तो कंसीव नहीं हो, ऐसा भाई तुम्हारे अंदर पैसे के बिगैर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से दुनिया भर के काम चल रहे थे। एक आदमी जिद पे, नहीं नहीं पैसा चाहिए, अरे भाई पैसे के काम मेरा कार्ड अगर दे रहे, तो वैसे कोई औरत के अंदर तमाम तकलीफ के बावजूद अगर ओवुलेशन हो रहे तो तकलीफ के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे। हाँ अगर सपोज द फाइब्रॉइड इज टू बिग विच ऑलरेडी ऑक्यूपाइड सम पार्ट ऑफ दिस यूट्रस लाइक स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, देर इज सम मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड द साइज ऑफ द ओवरी के अंदर जो सिस्ट ही जो है दैट इज लाइक बहुत सारे साइज की वजह से वो थोड़ा एंगोर जो है उसके अंदर ट्विस्ट हो रहा है, किसके अंदर ये फेलोपियन ट्यूब, ये सब वजुआत से अगर इश्यूज अगर हो रहे तो दैट यू हैव टू करेक्ट, वो सब बात की बात है। मैं ओवरऑल बात कर रहा कुली तौर पे औरतों को हम कैसे इनफर्टिलिटी, तो सबसे पहले याद रखने का सफरावी मिजाज को और दम्भी मिजाज को, जल्दी जल्दी बच्चे भी होते हैं और जल्दी जल्दी कन्विंस भी होते कंसीव भी होता है और कम उम्र में लोग कंसीव हो जाते। परसों मेरे पास एक पेशेंट आया था, पेशेंट वाज अराउंड 31 या 32 ऐसा कुछ, 31 33 हार्डली 33 या 34, 10 डिलीवरी हो चुकी है 10, अब स्टिल दे आर एक्सपेक्टिंग। मैंने खड़े होकर सैल्यूट किया, कोई आदमी ने पहले लिखा था कि दुनिया में हर आदमी हर चीज को हरा सकते लेकिन मुसलमान औरतों की यूट्रस जो बच्चेदानी जो गर्भपात है उससे दुनिया फेल है, कोई दूसरी कहो। यहां ये जो प्रॉब्लम के अंदर ओवुलेशन को अगर ध्यान दिया जाए तो हरारत इसके अंदर एक मेन रोल है, यानी तहरीक। हरारत तो तुम अपने अंदाज से कुछ भी लो, तहरीक। इसीलिए सफरावी और दम्भी लोग को ओवुलेशन बराबर होता है अगर थोड़ा बहुत हॉर्मोनल में, प्रोलैक्टिन में, एलएच में, ल्यूटेनाइसिंग हॉर्मोन में, एस्ट्रोजन में, प्रोजेस्टेरोन कहीं भी अगर रहा तो भी, अगर हार कैफियत अगर है थोड़ा बहुत तो ओवुलेशन होता है। यहां एक किसी सोच याद रखने, तुम्हारी हॉर्मोन काम करने के लिए तुम्हारी फिजिक्स सही होना जरूरी है। एलएच एफएसएच जितने भी हॉर्मोन, दिस हॉर्मोन ओनली एक्टिव इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि उसको फिजिक्स जरूरी है तब वो केमिस्ट्री काम करता है। केमिस्ट्री इज एक्चुअली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो फिजिक्स एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, पहले क्वालिटी फॉर्म होते फिर क्वांटिटी में तब्दील होता है। तो यहां आपको अगर किसी को हाइपर थायरॉयडिज्म हो रहा है, पेशेंट इज ऑलरेडी हाइपर थायरॉयडिज्म है, टीएसएच जो भी बढ़ा है और एंड ऑलरेडी पेशेंट इज सफरा भी है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत सारे ओवुलेशन होते जा रहे हैं होते जा रहे, ये नहीं होता कि इसके अंदर ओवुलेशन कम होने के चांसेस ज्यादा, कि एक्सेसिव हरारत भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये नहीं कि हर हरारत बढ़ने से, हरारत का बढ़ना यानी कि थोड़ा बहुत हरारत हाई रहना चाहिए, अंडे की मुर्गी अंडा जो हैचरी में डालते हैं तो गर्मी देता है, पहले क्या करता था मुर्गा या मुर्गी उसमें आके बैठता था, खासतौर से मुर्गी 15 दिन जो भी थे, आजकल मुर्गी उर्गी नहीं बैठता है, हैचरी में लाइट जला के रखता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में, अंडा फूट के बच्चा बाहर आ जाता है, ये प्रोसेस यहां भी है ओवुलेशन में। इसीलिए आप देखते होंगे ओवुलेशन की मैटर में कभी भी तुम कोई भी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंड फर्टिलिटी क्लिनिक के एमडी डीजो के पास जाते देखो, सबसे पहले बोलते हैं वेट कम करो, वेट कम करो, वेट कम क्यों करें, वेट का है कम ही नहीं, फिर बोलते वेट ज्यादा है, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, थोड़ा ग्लाइसिफेज का बॉडी को गर्म रखो, वहां यूनानी प्रिंसिपल जाने या अनजाने में अनजाने वो फॉलो कर रहे। या मर्द की बात किए तो मर्द को तबरीद की जरूरत पड़ती है और औरतों को तस्कीर, नॉट तस्खीन, तस्कीन तस्खीन हरारत की मामला है। तो यहां आप याद रखना कि इनफर्टिलिटी में मेन एक फैक्टर है ओवुलेशन।
ये ओवुलेशन के बीच में हम लोग परेशान होते हैं, पीसीओडी ये वगैरह बीच में आ जाते हैं। अगर पीसीओडी से अगर उसको कंप्लेंट है फिजिकली, देन यू कीप वो उसको ट्रीट करो। अगर उसकी साइज ज्यादा है, चॉकलेट सिस्ट है, हिमरेजिक सिस्ट है, सिस्ट की साइज बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से अगर वो तकलीफ में है तो यू ट्रीट साइमल्टेनियसली उसको भी ट्रीट करो। सर्द खुश्क दवा स्टार्टिंग में स्टार्ट करो, पेशेंट को बोलो अगर आपको, फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पेशेंट ना तुम कंटिन्यूस दो तीन अगर कंसीव हो जाएंगे, ये खुद ब खुद तुम्हारा ये पीसीओडी ये फाइब्रॉइड का मसला भी खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी हॉर्मोन यूज्ड अप हो जाएंगे। इसलिए अक्सर देखते हैं तो हमारी पुराने दादी माँ माँ जैसे 10-10 डिलीवरी होती थी, एक फाइब्रॉइड तक नहीं होता था कि यार हॉर्मोन इस्तेमाल हो चुके। तो ओवुलेशन की फैक्टर में याद रखने का, अगर आपको ओवुलेशन में क्या दू डॉक्टर साहब क्या दू क्या दू, ये जरूरी नहीं कि आप अभ्याम लिया ऐसा कोई पर्टिकुलर दवा दो। ओवुलेशन स्टिमुलेट करने के लिए अभ्यसरा की काफी है, अभ्यसरा की काफी है। कब? वो फर्स्ट डे से स्टार्ट करो जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ। अभ्य अजराकी की जगह अभ्य तिंकार ओवुलेशन को प्रमोट करता है। जवारी जंजबील जंजबील या माजून जंजबील प्रमोट करता है ओवुलेशन को। जवारिश कलौंजी प्रमोट करता है, जवारिश कमोनी प्रमोट करता है। ज्यादातर गर्म मिजाज रखने वाली आइटम्स को दे सकते हैं ओवुलेशन के लिए, इसमें जरूरी नहीं इसके अंदर गायनक की। अगर सपोज पेशेंट बलगमी मतलब ये सब सफरा के अंदर, सफरा को भी इतने डोज की जरूरत नहीं पड़ती। कभी मेरे पास पेशेंट आते ओलिगोमेनोरिया, मैं जब कैप अफसल देता तो पेशेंट डॉक्टर साहब बहुत हेवी फ्लो हो रहा है जब से आपके दवा का, कि अफसल करंजुआ है गर्म है, तो कुछ किताबों में भी लिखा है करंजुआ को ओवुलेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते क्योंकि करंजुआ गर्म है 3rd degree सेकंड डिग्री में, कुछ किताबों में 3rd degree कुछ में सेकंड लिखा है। तो ये सफरावी लोगों में अगर ओवुलेशन में डिस्टर्ब हो रहे तो दो चीज याद रखो, अगर कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे रिपोर्ट की वजह से या कोई इन्वेस्टिगेशन से, थोड़ा साइड में रखो। कोई भी इश्यूज को मैनेज करने की तरीका है कि वो इश्यूज को सिर्फ दो में डिवाइड करो, सबक को इसको हाइपर हो रहे क्या, इसको हाइपो का प्रॉब्लम है, इसकी ओवुलेशन की वजह न होने की वजह हाइपर है क्या हाइपो की, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता। वो मरीज का मिजाज देखो, मौसम देखो, बहुत सारे वजह इन्हीं की आपको, तो मुझे नहीं ये पेशेंट बलगमी है, ये पेशेंट बलगमी है, ओवुलेशन डिले हो रहा है, सौदा भी है, सोता है बहुत, घर पे कोई काम नहीं करता है, एएमएच आर लो, दिस आर ऑल आई एम कमिंग डॉक्टर, एएमएच सब एंडी मुल्लर है वो सब, आई एम कमिंग टू दैट एएमएच। इसी में सब उलझो मत, तुम लोग उलझेंगे हम लोग सब चीज में, अभी नहीं, अभी फंडामेंटल क्लियर करो, फंडामेंटल क्लियर क्लियर भी है, अंदर अगर जाएंगे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर पेशेंट बलगमी है, सौदा भी है, इसके अंदर बिल्कुल फाइल कैफियत के बरूदत है, बलगमी में भी और सौदा भी, सोते रहता है, काम नहीं करता है, आईबी है, सोचते है, घर पड़े रहते हैं टीवी के सामने या मोबाइल के सामने, इसके अंदर ऑलरेडी मिजाज ठंडा और उसकी रहन सहन भी ठंडा, तो ऐसे पेशेंट को थोड़ा थेरिंग ज्यादा देना पड़ेगा। वो आप फिजिकल एक्सरसाइज बोलो, डाइटिंग बोलो, वीजा बोलो, दवा बोलो, सब आपके ऊपर। अब एक्सट्रीम अरारत से हो रहा है, इसको ओवुलेशन नहीं हो रहा, एकदम हाइपरथायरॉइडिज्म के गया, एक्सट्रीम सफरावी में गया, रात भर जागता है, ओवर एक्टिव, बहुत सारे दवा खा चुके, बहुत सारे आड़ा तेड़ा जंक फूड खा रहे, तो वहां कभी कभी तस्कीन का भी अमल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वह हरारत को ठंडा करना ताकि ओवुलेशन, क्योंकि अंडा आप देखते हैं अंडा ज्यादा गर्म करके देखो अंडा सड़ जाता, दोनों हालत में नहीं रख सकते। तो बहरहाल ये ओवुलेशन मेन एक मसला है, ओवुलेशन होना जरूरी है तभी कंसीव हो सकते हैं। अब ओवुलेशन भी है, स्पर्म काउंट भी है, मोर्टिलिटी भी, स्पर्म पहुंच रहे हैं, ओवुलेशन बराबर है 36 आवर्स तक, कुछ लोग 70, ज्यादातर 36 आवर्स के अंदर एग एक्सपायर हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में से। एक्सपायर होने के बाद में नॉर्मल जबान में कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में एमसी या मेंस्ट्रस मेंस्ट्रस को क्या कहते हैं कि एक एग लॉस होने की
नुकसान होने की वजह से, डॉक्टर साहब आई एम कमिंग टू दैट फॉलिकुलर स्टडी, एक एग वेस्ट होने के जो दुख है, टेंशन है, परेशानी, उसके वजह से होने वाले यूट्रस की आंसू है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि आज ये महीना मेरा एक एग वेस्ट हो गया, उसकी आंसू यूट्रस की आंसू है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, एक एग वेस्ट होने की सबूत दुख के तरीके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है। अभी ओवुलेशन हो गया, सब कुछ परफेक्ट, फिर कंसीव नहीं हो रहा है। इसमें ज्यादातर याद रखने का, मैंने औरतों के अंदर ओवुलेशन होने के बावजूद भी कंसीव न होने की मेन वजह इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। ये आपको मजाक लगेगा, मैं समझता हूं आजकल 30% लोगों में इनफर्टिलिटी की एक वजह, औरतों में वजह इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। इसको तुम ट्यूबरक्लोसिस बोलो, इसको लॉन्ग ग्रेन फीवर बोलो, या उसको तुम पायरेक्सिया इन अननोन ओरिजिन POU बोलो, कुछ भी बोलो, सबसे ज्यादा मैंने देखा है। पेशेंट से पूछ के देखो बुखार है, डॉक्टर साहब बुखार उखार नहीं होता, कभी कभार आता है। और नेक्स्ट सवाल पूछ के देखो डॉक्टर साहब पेशेंट को, पंगा एसी वगैरह चालू किया तो जल्दी ठंडी लगता है यार डॉक्टर साहब, वो बिगर कंबल में सो ही नहीं सकते रात, इट्स अ साइन ऑफ इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर। उससे क्या होता है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, खास तौर से विजरल ऑर्गन जिसके अंदर कैविटी हो वो ज्यादा गर्म रहता है, तो स्पर्म पहुंचते पहुंचते डेड हो जाते, ओवुलेशन हो गया लेकिन स्पर्म नहीं पहुंचे, स्पर्म यूट्रस में या सर्विक्स में या कहीं ना कहीं वो डेथ हो मर जाते। ओवुलेशन अगर परफेक्ट किया उसके लिए हम लोग बेसिकली, मेरा एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या, नॉर्मली रेडीमेड दवा मैं कैप अमल देता हूं या अब्बे अमल 1 BD। जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो उस दिन से 7 दिन कंटिन्यू देना है। आज अगर पीरियड स्टार्ट हो 11 को 18 तारीख तक खिलाओ, या जिस दिन वो पाक होते हैं मेंसेस से तब तक वो दवा रख, ताकि यूट्रस के अंदर एक तहरीक, एक हल्का गर्म दवा, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो फिर स्पर्म डेड ओवर डेड हो जाएगा। 7 डे अगर औरतों का पीरियड 8-9 दिन तक जा रहा है तो 8-9 दिन तक एवरेज रख सकते, बाद में बंद करो। फिर 7वां-8वां दिन से लेके आगे 10 दिन तक अल्टरनेट डे इंटरकोर्स करो, बोल 36 डेज के एवरेज में कैप अमल या अब्बे अमल, इसमें कोई भी एक चीज, और एक जवारी जंजबील या माजून फलासफा। ज्यादातर लोग माजून मुकव्वियर हम लिख के देते, कहीं ना कहीं जाके निशाने लग जाएंगे अंधेरे में, मतलब मार रहा तो तुम दे सकते, मैं बहुत कम देता हूँ माजून मुकव्वियर रहम, लेकिन आप दे सकते माजून मुकव्वियर दे सकते, माजून अलवा क्या हल्वी अलवी खानी बोलते है, क्या नाम उसका, 2-3 प्रोडक्ट उसका है वही, मैं उसके नाम पे याद नहीं आ रहा हूँ। फलासफा दे सकते, जंजबील दे सकते। इससे क्या होता है कि ओवुलेशन थोड़ा इंड्यूस हो जाता, ओवुलेशन इंड्यूस होना। हम लोग, किसी ने पूछा आपके लिए ओवुलेशन इंड्यूस होने के लिए क्या दवा है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास कोई हार्मोन का दवा नहीं, तो हम इंड्यूस कैसे करेंगे। यस, फ्रॉम द फर्स्ट डे, हाँ, माजून शीर अलवी खानी वो सब है। तो फर्स्ट डे से लेके 7 डे तक, जिस दिन पीरियड स्टार्ट हो 7 डे तक कोई भी गर्म हल्का सा दवा इस्तेमाल करो, बिस्मिल्ला करके दो, वो ओवुलेशन को प्रमोट करता है। इसकी जगह मरीज उल्टा है, दोनों जगह अपने ट्रीटमेंट, मैंने पहले दो चीज पहले ये हम तहरीक दे रहे हैं। कभी कभी औरत बहुत गर्म है इसलिए ओवुलेशन में इश्यूज आ रहा, ओवुलेशन नहीं होना ओवर एक्सट्रीम, तब उसकी उल्टा दवा इस्तेमाल किया करो, खमीरा मरवारी दो, सर्द खुश्क 3 ग्राम मॉर्निंग, मशरूबे आमला या कोई भी एक सर्द शरबत, और एक जवारी शामला या जवारी शाही या कुर्स कुश्ता मरजान जोर वाला, ये कॉम्बिनेशन 7 डेज का, फ्रॉम फर्स्ट डे से लेके 7 डे। अगर सपोज आपके पास एक इनफर्टिलिटी केस आया, मेल परफेक्ट है, चीज इज परफेक्ट, इज काउंट इज परफेक्ट, नो इम्पोर्टेंसी, नो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, परफॉर्मेंस इज गुड,
अगर मेल फीमेल के अंदर इश्यूज आ रहे तो आप सबसे पहले काम करो, मौसम का लिहाज रखो, मरीज का मिजाज का लिहाज रखो। आते ही मरीज को क्या करो, थोड़ा सा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा गर्मी की कमी है, इसलिए ओवुलेशन है, तो फर्स्ट 1 और 2 मंथ आप गर्म दवा से ट्राई करो, नहीं हुआ अगले बार, नहीं हुआ अगले बार, 3-4 महीने के मिस होने के बाद में नेक्स्ट पटरी बदलो, गर्म दवा से स्टार्ट करो, ये सर दवा से स्टार्ट करो, 100% इसमें कहीं ना कहीं लगना ही है। मरीज को काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी में। मैंने तो ये अक्सर ट्रीटमेंट के बारे में जो ओवुलेशन के ताल्लुक से मरीज को मैं समझाता हूँ, मैं मरीज को ये कहते हैं कि भाई औरत को ये बताता तो तुमको महीने में एक ओवुलेशन होता है, वो भी परफेक्ट, अगर 28-28 का भी है तो भी साल में 10 ओवुलेशन होता है, तो उनको सब बताओ कि तुमको एक एक साल में 10 या 11 चांस 12 चांस मिलता है। तुम मेरे पास आके डॉक्टर साहब आपके पास आए, 6 महीने से मैं दवा खा रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, तो मरीज को बोलो 6 महीने से आप अगर मेरे पास बुखार की इलाज में अगर आया होता तो जाहिर सी आपकी जो क्यूरियोसिटी है जायज है। अब 6 महीने में आपको सिर्फ 6 चांस मिला है, 6 ओवुलेशन, ये 6 ओवुलेशन स्पर्म और ओवम का को इंसिडेंस नहीं हुआ, आप शायद सफर में हो सकते हैं, आपका ओवुलेशन हो गया होगा, आप रूट के या कुछ तो कुछ झगड़ा हो केस होया होगा, एक दिन इंटरकोर्स नहीं किया होगा, शादी में गया होगा, कहीं ना कहीं वजह होगा, एक मिसिंग हो गया होगा 1 महीने में, उस दिन ओवुलेशन का डे होगा, विद इन 36 घंटे के अंदर अंडम एक्सपायर हो जाते हैं ज्यादातर, ये कोई नहीं गिनता, मिसिंग औरतों में ज्यादातर मिसिंग का प्रॉब्लम होता है, मिसिंग औरत बोले आज मूड नहीं, कल या परसों, वो मूड जिस दिन मूड नहीं या उस दिन मूड है लेकिन पार्टनर परफॉर्म नहीं कर पाए वीकनेस के से, तो भी मिस हो गए। इसमें आपको अगर इनफर्टिलिटी माहिर बनना है तो आपको FBI या CBI के जैसे, इसमें ओवुलेशन अगर सपोज ओवुलेशन आ भी रहे, ओवम अगर सपोज बराबर ओवुलेशन आ रहे, अगर मरीज को इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर है, रात में जागने की हाइपर एक्टिविटी या कोई ऐसी थायराइड की या कोई खाने पीने में गर्म अशिया की कसरत में अगर इस्तेमाल कर, उसको ध्यान रख के एक मुबरिदात का ट्रीटमेंट भी साइड में देना जरूरी है कंसीव होने का। दो एस्पेक्ट याद रखो, ओवुलेशन को बढ़ाने के लिए हरारत भी चलेगा, या हार याबिस, बारिद याबिस, हार याबिस यबूसत चाहिए तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए, अरे याबिस और बारिश जो ना चलता है उससे। अब ये दोनों एस्पेक्ट रख के अगर आप ओवुलेशन को मेंटेन करें या ओवुलेशन को आप पकड़े, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवुलेशन का, क्योंकि अगर पेशेंट को ओवुलेशन वक्त पे अगर आ रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि आपको एग्जैक्टली वो टाइप, तो ये जरूरी नहीं कि माजू अबे अमल माजू मुकव्वर रहूं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन में आपको जाना जरूरी नहीं है। जैसे कि अब्बे हमल है, हमदर्द की जो अब्बे हमल है वो आपने उसके गौर किया, किसी को मालूम कि इसके कंटेंट में क्या है, मैंने एक अज्जा मेरे तरफ से स्पेशल गिफ्ट देंगे, मैं वो नाम मुझे अगर भेज दिया तो फर्स्ट वाले को, अब्बे हमल में क्या कंटेंट है, तो अब आपको समझ में आएंगे ओवुलेशन में कैसे काम जाफरान करना है। जाफरान सर जाफरान अब मेन और एक जाफरान तो है ही है, और मुरमक्की मुरमक्की भी है, और भी है, और अफ्यून है इसके अंदर, अफ्यून। अच्छा क्या अफ्यून जिसको ओपियम कहते हैं, उसका मिजाज क्या है, सर्द खुश्क 4th डिग्री, खुशकी से पहाड़, खुशकी से फाड़ रहे। जैसे एक छोटा सा मिसाल देता हूं, आपके ऊपर एक फोड़ा पुंसी आ गया, फोड़ा क्या लगाते हम लोग, मुल्तानी मिट्टी लगाओ, संदल सुर्ख लगाओ, संदल सुर या राल लगाओ, फट जाते हो, खुशकी से फाड़ देते हो, गर्मी से भी फटता है, फटना फटना यानी ओवुलेशन का काम बेसिकली
दोनों कर सकते हैं तुम्हारे मिजाज। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं इनफर्टिलिटी केसेस में, क्योंकि मेरा जो स्टडी एमडी सब वो इसी के हिसाब से, काफी हद तक हमको मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से उसके बिल्कुल डबल ट्रिपल गुना हमारे पास दवा है। यहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है, पेशेंट अक्सर बहुत सारे दवा खा के, हार्मोन ट्रीटमेंट करके, स्टीरॉयड वगैरह इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर बहुत सारे मिजाज में तब्दीली लेके आते, और वो हार्मोन वगैरह एक दो महीने के बाद में जो नॉर्मल में आने तक अपने दवा भी टाइम लगता है। मरीज को समझाओ, बहुत सारे पेशेंट को तुमने अबल अमल एक अधना सा दवा से कंसीव हो जाते, कभी वही दवा से एक महीना हो गया, छह महीना हो गया, एक साल हो गया, कंसीव नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं यार दवा असर नहीं कर रहा। दवा का असर का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी जो निशाना जो था बंदूक का वो परफेक्ट नहीं, मरीज के मिजाज में कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ कर दी। पहले वाला पेशेंट आया था ठंडा मिजाज, गरम दवा काम किया, अब वो गरम आदमी औरतें आए, यहां भी हम गरम तदाबीर अप्लाई कर रहे थे, पेशेंट में तकलीफ में आ जाते। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम वांटेड टू से, ओवुलेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बाद में हमारे जो लास्ट लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर में डिस्कस किए पीसीओडी वगैरह, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी, आपको बहुत बड़ा बीमारी समझ में आएगी। मैं बोलता हूँ उसकी मिजाज क्या है, वो एक उसकी कैफियत क्या है, वो एक ऋतु भी अमराज है। वो क्या है, ऋतु भी अमराज। आजकल की आईडी औरतों का आईडी रहन सहन, आईडी का मतलब सुस्त लाइफस्टाइल के वजह से, जो आजकल की सबसे ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीज बोल सकते हैं पीसीओडी को, जैसे डायबिटिक मेलेटस इतना आम हो गया आजकल, 30-40% इससे ज्यादा आम हो गया 18-22 एज में। पहले पीसीओडी होता था, डिलेड शादी हो रहे, डिलेड कंसीव हो रहे, हार्मोन यूज नहीं हो रहे, बॉडी में रुतुबत और बुरुदत की गलबे की वजह से पीसीओडी होता था। आज अच्छे बच्चे को भी मेनार्के के बाद में भी स्टार्ट करके एक दो महीने के बाद में भी आप स्कैनिंग करा के देखो, देयर इज एन ओवुलेशन। पीसीओडी हर औरतों में होते, याद रखना, कुछ में ज्यादा होते कुछ में कम होते। जब उसकी साइज और पोजिशन ज्यादा तकलीफ होते, देन ओनली यू कॉन्सेंट्रेट द ट्रीटमेंट, अदरवाइज पीसीओडी का ट्रीटमेंट में एक दो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, डॉक्टर नईमा एग्जैक्टली सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यू कैन से वेजिटेटिव लाइफ स्टाइल, वेजिटेबल हिलता नहीं है ना, वेजिटेटिव लाइफ स्टाइल। तो पेशेंट को ओवुलेशन को बढ़ाने की तरतीब तदाबीर ढूंढ। दूसरा पेशेंट को इवनिंग ऐसा टेम्परेचर तो नहीं, डायबिटिक तो नहीं, दूसरा एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं, ये ध्यान रखो। कंसीव होना, बच्चा होना, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। जैसे अभी बच्चे हम कंसीव हो गए तो एक फर्स्ट महीने से स्टार्ट होते गायनेक के पास जाना, वजन कराना, शुगर चेक करना, थायराइड चेक करना, स्कैनिंग कराना, यानी कि कंसीव होना या प्रेगनेंट होना एक बीमारी की लिस्ट में आ गया, यानी बीमार है वो, बार बार डॉक्टर के पास जो चेकअप किया करो कि तू प्रेग्नेंट। तो ये चीज को, ये कंसेप्ट से मत देखो। तो बहरहाल ओवुलेशन का ध्यान रखो, पीसीओडी को अगर इस्तेमाल करना, इधर भी पीसीओडी का भी दो ट्रीटमेंट है, सर्द खुश्क भी है, गर्म खुश्क भी है, दो पहलू रख के करना। मरीज अगर गर्म मिजाज के तो सर्द खुश्क से पीसीओडी इलाज करो, मरीज अगर गर्म मिजाज की सर्द मिजाज की बलगमी तो इसको मेफसिल अफसल गरम सर गरम खुश दवा दो, सबको गरम खुश दवा मत दो। खुशकी अपना मतलब है उसकी सिस्ट को कम करना, क्योंकि व्हाट इज सिस्ट, सिस्ट इज नॉट लाइक ए फ्लश और थिक, इट इज समथिंग लाइक ए बैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज फिल्ड विथ फ्लूइड, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ सिस्ट। तो उसको कम करने की कोशिश करो, और वो सिस्ट होने की वजह फाइंड आउट करो, सबक का इजाला। ये डॉक्टर लोग नहीं करते, लैप्रोस्कोपी करके
पीसीओडी सही करते, वापस पीसीओडी आ जाते क्योंकि उसने सबब का इलाज नहीं किया। और वन मोर थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुजर्रबुल मुजर्रब, नवर नवर एंड एवर रेकमेंड ये लैप्रोस्कोपी मत करो। यू कैन प्रमोट या यू कैन रेकमेंड लैप्रोटॉमी। लैप्रोस्कोपी से बहुत सारे मैंने देखे जो कंप्यूटराइज इन लोग जो करते, ज्यादातर आप देखिए आप लोग सबके पास केस आया होगा, एक बार आपने अगर पीसीओडी के इलाज अगर फिजिकली किया लाइक एनी मैनिपुलेशन, यू ओवरी एड्रेस हो जाता, एड्रेसिव हो जाता और ट्यूब ब्लॉक हो जाती। क्यों मालूम? ये जो ट्यूब है बहुत बारीकी का ट्यूब है, उसके अंदर एक लचक और एक चिपकने की सलाहियत है, जिसे फनस के अंदर एक चिपकने की गम रहते है। वैसे यहाँ एक स्क्रैच भी गिर गया ना तो पूरी की पूरी फेलोप। इसलिए आप कितने भी लैप्रोस्कोपी पेशेंट किस पे उठा के देखो, सर डॉक्टर साहब ने बोला ब्लॉक है बोल के ये कर दिया। अफसल और मेफसिल दोनों गर्म है, लेकिन अफसल इतना नहीं, मेफसिल थोड़ा ज्यादा गर्म है। तो बहुत सारे केसेस है डॉक्टर, लैप्रोस्कोपी के अंदर ब्लॉकेज आ गया, फिर बहुत प्रॉब्लम हो, फिर ये भी ब्लॉक है डॉक्टर बोल रहे, ये भी ब्लॉक है, सब बोल रहे। बहरहाल कोई भी इनफर्टिलिटी केसेस आए तो बच्चे की जैसी कोशिश करो सीखने की, पढ़ने की। ये नहीं कि रिपोर्ट 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 साइड में रखो, सवाल पूछो मरीज को, पहले उससे पूछो अपनी कैफियत जानते हैं क्या, उसका मतलब क्या, तुम तुम्हारे बारे में क्या जानता है, तुम कौन है ये नहीं, तुम्हारा नाम क्या ये नहीं, तुम्हारी स्टडी में हमने ये नहीं पूछ रहे तुम कौन है, तुम्हारी डिग्री क्या, पैसा ये नहीं, तुम्हारी अंदर की बात, तुम्हारी जो अंदरूनी जो बात है भीतर, नॉट बाहर, मिजाज क्या है उसका असेस कर, देन ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल बनाओ। मिजाज की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इन्फर्टिलिटी जितना मिजाज जितना कैफियत इन्फ्लुएंशियल होता है, दूसरे डिजीज में इतना फास्ट नहीं होता, सब में मिजाज इन्फ्लुएंशियल है। क्यों? स्पर्म, करोड़ों स्पर्म पैदा होते हैं, अगर जरा भी बॉडी टेम्परेचर के अंदर 19-20 हो गया तो स्पर्म डेड हो जाएंगे, ओवम भी एक्सपायर हो जाएंगे या ओवुलेशन होगा नहीं। तो इतनी ज्यादा फिजिक्स, उम्र तबिया नॉट तिब, तबीयत सबसे ज्यादा डायरेक्ट असर रखने वाली एक सिस्टम है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज। अगर आप बहुत गर्म अशिया खाए, कोश वगैरह खाए, तो एक्सट्रीम गर्मी बहुत दिन, दो तीन दिन तक खाए तो आपको शायद पीआर ब्लीडिंग, पर रेक्टल ब्लीडिंग हो सकते गर्मी के से। लेकिन यहां अगर आप ओवुलेशन के टाइम पे एक दो तीन खजूर ज्यादा खा लिया डेली, पके हुए आम ज्यादा खा लिया, या कोई पपाया खा लिया या करेला खा लिया ज्यादा, तो बॉडी के अंदर हरारत बढ़ के 13th, 14th, 15th डे ओवुलेशन होना चाहिए, वो 9th डे या 8th डे ओवुलेशन हो जाती और हमारी पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाती। परफेक्ट ओवुलेशन का एक औरत है, इस ये महीने थोड़ा सा ज्यादा सोने लगा, ज्यादा सुस्त होने लगा, ज्यादा हलचल कम होने लगा, तो 13th, 14th डे ओवुलेशन होने वाले औरत को शायद 18-19 के बाद में ओवुलेशन आता है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 13th, 14th, 15th है, ये कभी नहीं होता है। ये उतना परफेक्टली क्लाइमेट में इतना परफेक्टली जीने वाला कोई 13th, 14th में ओवुलेशन, अगर एक बुखार भी आ गया दो तीन दिन पहले तो भी ओवुलेशन फास्ट हो जाते बॉडी में 1 or 2 days। तो ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसूले इलाज में, उसूले इलाज में ट्यूबल ब्लॉकेज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एंटी इंफ्लेमेटरी दवा इस्तेमाल करो जिसके अंदर लचक पैदा करे। मेरा जो जाती तजुर्बा है, मैंने लास्ट में उसको किसी से
ये क्या नाम उसका, वो शेयर भी किया था नाजिन देबी दिलवर और एक अब्बे तिंकार जुबल ब्लॉकेज के लिए और एक शरबत दीनार ट्यूब ब्लॉकेज के लिए, क्योंकि मैंने वो इत्तेफाक हो सकते है मायले इत्तेफाक दवा भी नहीं हो सकती। जैसे एक पेशेंट था बीओमएस डॉक्टर जो शादी हो गया था 10 साल हो गया बच्चा नहीं हो रहा था, पता चला दोनों ट्यूब ब्लॉक के, तो बोला डॉक्टर साहब आप जरा वकील साहब थोड़ा, मैं बोला तुम भी बीओमएस डॉक्टर थे यार तुम जानते, तुम भी एनाटॉमी पढ़ा मैं भी एनाटॉमी पढ़ा, दोनों ट्यूब ब्लॉक है हाउ डज इट पॉसिबल टू कंसीव। अब तिंकार भी ओवुलेशन के लिए मैं बताता हूँ बच्चों के लिए, तो वो मैं बोला फिर भी मैंने ये दवा दी है बीदल वर्द और तिंकार वगैरह कॉम्बिनेशन दे दिया। एक दो महीने के अंदर उनका कॉल आया डॉक्टर कंसीव हो गया बच्चा, फिर बाद में भी वो शायद 8 या 5 साल का बच्चा है अभी इज गुड। तो कभी कभी ये होता है कि फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट में याद रखने का, फाइब्रॉइड अगर बिग साइज है वसूली मोर देन 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर पेशेंट को कंसीव हो गया 3 साल बच्चा हो गया खाली फाइब्रॉइड है तो रहने देना कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो ब्लीडिंग देयर इज नो पेन देयर इज नो एनी सिम्पटम, पेशेंट को बोलना तुम थोड़ा सबर रखो आफ्टर मेनोपॉज के अंदर वो अपने आप श्रिंक होकर छोटे हो जाएंगे। अगर इसको इनफर्टिलिटी में अगर इश्यूज आ रहे हैं साइज के जैसे डेफिनेटली यू गो फॉर ए सर्जरी, सर्जरी इट इज नॉट अगेंस्ट यूनानी, समझे क्या, सर्जरी इज नॉट अगेंस्ट यूनानी, क्योंकि तुम यूनानी में तब्दीली नहीं ला सकते, टिप में तब्दीली, टिप के लिए तब्दीली ला सकते, जैसे कि इस्लाम में फिर दीन तक तब्दील कर सकते, लिद दीन नहीं, दीन में तब्दीली नहीं कर सकते, दीन के लिए तब्दीली कर सकते। मिसाल के तौर पे अपने मोबाइल लेके मस्जिद में घुसे तो किसी ने बोला यार मोबाइल यहां इस्तेमाल नहीं करना है, तो किसी ने पूछा कहां लिखा है बता कौन सी हदीस में मोबाइल ऑफ करके मस्जिद में दाखिल हो, सब तो कुरान और हदीस के मुताबिक चलना चाहिए क्योंकि इस्लाम ता कयामत तक एक मजहब है, तो कहां लिखा है मोबाइल बंद करके मस्जिद में दाखिल होने की आदाब लिखा रहते, तो उसमें अव्वल नंबर में आजकल लिखा स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, ये कहां से आया ये कानून, ये लिद्दीन फिद्दीन नहीं, ये नमाज के लिए मस्जिद के लिए उसी के लिए दीन में, इसे यहां भी याद रखने का फिल ट्रीटमेंट के लिए यू कैन डू सम रद्दो बदल। कभी कभी मैं क्या करता हूं मुझे समझ में आ रहा मरीज का मिजाज क्या, तो कभी कभी मैंने ये उसूल आजमाता है बरूदत का, फिर बाद में 6 महीने के बाद में बरूदत से अगर नहीं आ रहा तो हरारत की उसूल को मैंने आजमाता, कभी दोनों से नहीं हो रहे तो कभी कभी मिक्स करके भी दे देता हूं। एंडोमेट्रियल ट्रीटमेंट बानो, एंडोमेट्रियल ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को तकलीफ अगर है तभी एंडोमेट्रियल का ट्रीटमेंट दिया करो तकलीफ के लिए, इफ इट इज सिम्टमलेस देन नॉट ट्रीटमेंट, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी इफ इट इज बीक ब्लीडिंग ये भी होता है मेनोरेजिया डिस्मेनोरिया स्पैस्मोडिक डिस्मेनोरिया डेफिनेटली एडजस्ट द सर्जरी, अदरवाइज यू यूज सर्द खुश्क दवा। क्या सर्द खुश्क, व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम यूट्रस की एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग टिश्यू अदर दान यूट्रस की जगह पाए जाना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियोसिस। अगर मेरे हाथ पे थोड़ा सा एंडोमेट्रियोसिस है, मेरा नहीं मतलब औरतों के अंदर, तो हर माहवारी के टाइम पे यहां से ब्लीडिंग आ जाएगी या इधर लाल हो जाएगी या आपकी इंटरनल कई भी जगह पे एब्डोमिनल कैविटी में कई भी एंडोमेट्रोसिस, इवन सपोज तुम्हारी इंटेस्टाइन में भी अगर एंडोमेट्रोसिस आ गए सपोज, तो हर पीरियड के टाइम पे आपको स्टूल के थ्रू ब्लड या मालिना निकलेंगे सिर्फ पीरियड के एग्जैक्ट हो 2-3 दिन, क्यों सेम टारगेट सेल की जो सेम टिश्यू है जो भी इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो टारगेट वो टिश्यू में भी होगा बॉडी में, अगर इसकी साइज बढ़ा या इसको तकलीफ हो रही है इनफर्टिलिटी देन
यूस सर्द खुश्क दवा, ये एक दम्भी अमराज है, ये दम्भी अमराज है। इंडिकेशन ऑफ ओवुलेशन पीरियड, मैं समझा नहीं हूं सवाल। एंडोमेट्रियम नॉट थिक, ओके, एंडोमेट्रियम थिक करने की वजह, एंडोमेट्रियल थिकनेस जरूरी है क्योंकि दैट्स अ बेड फॉर न्यू बेबी, जो बेबी हो रहा है उसको एंडोमेट्रियम थिक होना जरूरी है तभी प्रॉपर सप्लाई होता है। तो गर्म तर दवा इस्तेमाल किया करो एंडोमेट्रियम, क्योंकि विसरल ऑर्गेन, व्हाट इज विसरल ऑर्गेन, जिसके अंदर होलोनेस है, जैसे स्टोमक है, ओके, दैट्स अ विसरल ऑर्गेन, एंड यूट्रस इज अ विसरल ऑर्गेन, लार्ज इंटेस्टाइन इज अ विसरल ऑर्गेन, सबके मिजाज गर्म तर है। जिगर इज नॉट अ विसरल ऑर्गेन, इट्स नॉट अ होलो कैविटी, इज नॉट दर। कुछ लोग सवाल पूछे, सवाल लंबा होने के से पढ़ने से पहले वो चले जा रहे, इससे मैं जवाब नहीं दे पा रहा, शॉर्ट करके लिखो तो मैं जवाब दे दूंगा। ओके, एक दो मिनट एक चाय पीता हूं। क्योंकि मैं समझता हूं इस लेक्चर सीरीज को सब लोग ओवुलेशन पीरियड, आई विल टेल यू क्लिनिकली डायग्नोसिस ऑफ ओवुलेशन पीरियड, मैं समझता हूँ इस लेक्चर को जो भी अटेंड करते वो एक्चुअली सीरियस लिया है इस लेक्चर को और रिलीजियसली इसको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मोर देन 130-150 अराउंड पार्टिसिपेंट हर लेक्चर में होता है, तो वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोग्राम में अगर बड़े बड़े सीएमए भी कंडक्ट करते मैक्सिमम उसकी जो हाजिरी 100 के नीचे रहता है। अभी संडे के दिन उसके हिसाब से आप लोग को फायदा भी हो रहा है। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो मैंने बताया गर्म खुश्क और सर्द खुश्क दोनों से इलाज करो। मरीज का मिजाज अगर गर्म है तो सर्द खुश्क, मरीज का मिजाज अगर ठंडा है तो गर्म खुश्क, बस इतना ही है। अब दवा सेलेक्ट करना आपके ऊपर है, इट इज डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन, डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट, क्लाइमेट ऑफ द, दिस आर ऑल अप टू यू ओनली। इसलिए मैं हमेशा कहते कि तुम लोग, तुम्हारी अगर फंडामेंटल क्लियर किया, अगर तुम्हारी फंडामेंटल क्लियर किया तो हर चीज क्लियर हो जाती। अभी ओवुलेशन की जो पीरियड को क्लिनिकली डिक्टेट करना बहुत मुश्किल है। जिस दिन ओवुलेशन होता है कि पेशेंट को बैकेक होता है सुबह उठने के टाइम पे हल्का सा एक बुखार 1 or 2 degrees centigrade नहीं फारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर बढ़ता, दिस इज ओनली क्लिनिकली डिटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आज के दौर में ये जब भरी भरी में कहता है ना कि अपन लोग जो हमारे जो लाइफ है, हम जो जी रहे, हम जो सो रहे, हम जो खा रहे, हम जो बात कर रहे, बहुत सारे वाइब्रेशनल कैफियत के अंदर जी रहे हम लोग, डेफिनेटली दैट वाइब्रेशन क्रिएट ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अस, अपने ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल है। ओके, यस यस, थैंक यू वेरी मच। पॉलीमेनोरिया में सर्द, यस, अभी आप लोगों को सब समझ में आ रहा है, पॉलीमेनोरिया में सर्द खुश्क दवा, गर्मी की वजह से रिया फ्लो, सैलान सूरत भागना चलना मूवमेंट हरकत का ज्यादा होना, फटना फुटना गुस्सा आना, सब चीज के पीछे सफरा है। मैं किसी को गाली कलौज दे रहा है कि मेरे अंदर सफरा बढ़ गया, मैं चुपचाप आईडी हो गया, मेरे अंदर बलगमियत बढ़ गया, मुझे बर्स का शिकायत हो गई, ये भी बलगमियत है, ये नाक से गिरने वाला बलगम नहीं, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक फंक्शन के अंदर खामी आ गया, नेगेटिविटी आ गया, इसलिए मुझे बर्स हो गया। अभी भी बहुत लोगों के कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो हम लोग को काइंडली सादगी से इलाज करने की कोशिश करो, कॉम्प्लिकेट मत करो इसको, कॉम्प्लिकेट करेगा तो तुमको कुछ नहीं कर सकते। पीसीओडी में हम लोग क्या अवॉइड करना चाहिए, पीसीओडी में ज्यादातर बलगम बढ़ने वाली तमाम अशिया से दूर रखो, क्या है वो, कट्टी चीज, आईजीपना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादा मीठा खाना, रुतुबत बढ़ता है बॉडी में, वजन बढ़ता है, जितने बॉडी में डेयरी प्रोडक्ट, जितने बॉडी के अंदर रुतुबत बढ़ने वाली तमाम चीज से दूर रखो, उससे पीसीओडी कम हो जाती है।
समझा, ये एक फिजिक्स है। पीसीओडी ऋतु भी अगर अमराज है तो मरीज को बोलना नमक कम करो। तुम अगर सपोज किसी को डायबिटिक हो गया, सॉरी हाइपरटेंशन हो गया, पट करके बोलते अचार बंद करो, नमक क्यों डॉक्टर साहब, तुम्हारा बीपी बढ़ेंगे। बीपी क्यों बढ़े, रुतुबत बढ़ेंगे बॉडी में, वो रुतुबत कैन लीड इन टू हाइपरटेंशन। मरीज को बोला नमक कम करो, पीसीओडी कम हो जाएगी। नमकीन आइटम कम करो, वो रुतुबत बढ़ेंगे, पीसीओडी और बढ़ेगी। इससे क्या होते कि कभी कभी तुम लोग ना हैरान हो जाएंगे, यूनानी इतना मिरेकुलस, यानी कि इतना अजीब करिश्मा दिखाता है कभी कभी, सादगी से जब इलाज करता है। रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट भेजो, पढ़ो, सब करो, ये अपनी सोच को बंद मत करवा, क्योंकि रिपोर्ट आने के अंदर हमारी सोच डाउन हो जाती है, क्लोज हो जाती है। ये जरूरी नहीं कि हमारे अहमद मतलब में लिखा हो, ये आपने कहीं से पढ़ा नहीं हो, ये जरूरी नहीं है। आपको आपके तजुर्बा, मैं हर पेशेंट के ऊपर तजुर्बा करते, यू वॉन्ट बिलीव, मैं ओवुलेशन के लिए सबसे सादा सबसे इजी एक मेडिसिन क्या मानता मालूम, अब्बे शिफा, एक बेहतरीन प्रोडक्ट है वो। अब्बे शिफा में क्या है, दतुरा है। कोई हार्मोन टैबलेट जो ओवुलेशन के लिए गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं उसके 10,000 गुना बेहतर है। जिस दिन माहवारी के टाइम फर्स्ट डे अगर किसी को ओवुलेशन या किसी की फेलोपियन ट्यूब से जो ग्राफियन फॉलिकल को आपको फास्ट रप्चर करना है, अब्बे अमल सर्द खुश के, अब्बे शिफा गरम खुश के, ये दो टूल है आपके, या तो ये इस्तेमाल करो या ये इस्तेमाल करो। अगर मरीज बलगमी है, मोटी मोटी औरतें, सुस्त ओबीस, रुतुबी, ढीला डाला, बलगमी, हजारों नाम दे सकते हैं इस औरत को, ढीला डाला, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही साइकिक, बहुत ही फिक्रिक, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं जो आईडी लोग को या दोनों को, ऐसे लोगों को अब्बे शिफा इस्तेमाल करो। दूसरी जगह पे लिखा है ओवुलेशन बढ़ाने में जंजबील बेहतरीन चीज है, अब्बे शिफा 1 BD। अगर एकदम बलगमी है 2 BD तक दे सकते, 7 days, ज्यादा नहीं। जंजबील का पाउडर करके रखो, क्वार्टर टीस्पून विद शहद जंजबील दो, अब्बे अमल 1 BD। अब्बे अमल ज्यादातर मैंने देखा खुश्की की वजह से टूटता है, वो सफरा में ज्यादा काम करता है, सफरा भी मरीज को, जो दुबले पतले औरतें गुस्सा करती है, सैलान उमरान की शिकायत है, बार बार बीपी लो रहता है, जब देखो माइग्रेन की शिकायत, एसिडिटी, कुछ खाया तो बदन पे नहीं लगती। यस, आफ्टर 7 days कोई दवा देने की जरूरत नहीं, when to start and when to stop. जिस दिन पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 7 days, अगर जिस दिन आप पाक होते हैं, साफ होते हैं, तब तक आप अब्बे अमल या जो भी आपको ओवुलेशन की दवा इस्तेमाल, 7 days, उससे ज्यादा मत करो, उससे ज्यादा करने के शायद ओवुलेशन आगे पीछे हो जाएंगे। दारचीनी का पाउडर इज गुड फॉर ओवुलेशन, पाउडर करके रखो, दारचीनी का पाउडर गुड फॉर ओवुलेशन। शमीमा खान, आफ्टर ओवुलेशन इंटरकोर्स, पेशेंट को मैं क्या बोलता है, देखो भाई तुम्हारा ओवुलेशन हो गया, अब गोल तुम्हारे कोर्ट में, समझे क्या, अभी खेल तुम्हारे हाथ में, मेरा गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया। फिर भी बच्चा होने के बाद में माँ बाप लेके आते पूरी भरी महफिल में, बोलते सर ये आपका बच्चा है, बोले मेरा बच्चा है। एक थोड़ा सा एक लतीफा भी सुनाता उसके, मैं बंद करता हूँ। हम लोग जब एक हम लोग घर पे खाना भी ना खा रहा था,
तो अब्बा है, अम्मी है, भाई लोग है, बीवी, सब हम लोग खाना खा रहे थे। बीच में अचानक मरीज का, पेशेंट का फोन आया। तो खाना खाने के अगर फोन आया तो सबसे पहले चिल्लाता कौन? अपनी बीवी। अभी भी फोन करते कि बोलते नहीं क्या, तमाम बीवी लोग चिल्लाते रहते। अब मैं बोला यार एक मरीज का बेचारा पेशेंट का फोन है, इन्फर्टिलिटी केस था, 10 साल के बाद में बच्चा हुआ। अब मरीज बोल रहा हकीम साहब नाम भी आप दे दो, इसलिए कॉल किया। तो अब बीवी ने बोला अब अपने आपने बच्चा भी बना के दिया, अभी नाम भी आप बनाओ देंगे क्या? पूछ रहे थे उसको बाद में उसके समझ में, वो क्या गुस्से में आके बोले बच्चा भी आपने बनाया, अभी नाम भी आपको क्या काम? आप उनको दूसरा कोई काम नहीं। बहरहाल 7th डे ऑनवर्ड्स यू आर नॉट सपोज टू गिव एनीथिंग, बट अगर मरीज का मिजाज गर्म है, एक्सट्रीम बुखारी लग रहे, तो एक डी बुखार माहौल हयात, एक खमीरा मरवारी जारी रखो। अगर पेशेंट तुमको ऐसा लग रहा है पेशेंट को इवनिंग रेस्ट और टेम्परेचर की वजह से ओवुलेशन होने के बावजूद भी कंसीव अगर नहीं हो रहे, तो आपको खमीरा मरवारी दे, माहौल हयात है, डी बुखार सबसे बेस्ट। डी बुखार और खमीरा मरवारी को स्टार्ट रखो ताकि पेशेंट कंसीव होने तक, कुछ लोग को कंसीव होने के बाद में भी उसको कंटिन्यू रख सकते क्योंकि वो अबॉर्शन को या समझो वो सफरावी है जानी कहीं। उम्मा जदीद सर्द खुश के गुड निसार आमद, उम्मा जदीद दे सकते सफरावी को ओवुलेशन के लिए सर्द खुश के। सो कैटेगराइज करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग अगर थोड़ा अभी तो मैं समझता हूँ हम लोग अभी तक अपने मेरा भी तुम लोग का भी कंसेप्ट अभी तक फुल क्लियर नहीं है। इब्न अरबी, शेखों का शेख, सूफियों का सूफी, शेखुल अकबर इब्न अरबी क्या करते? हर चीज को चार में कैटेगराइज करके रखी, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। अभी हम चार तक नहीं गया, हम दो में खेलेंगे अभी, हारे क्या बारी थी, बाद में अपन चार में घुसेंगे। सो धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को जारी रखेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम लोग का सबका मुस्तकबिल उज्जवल है, फ्यूचर उज्जवल है। अपने ऊपर ध्यान रखो, ये हरी भरी ये सब मत करो, रिलैक्स रहो, ट्रीटमेंट करो। हर मैं कभी कभी मरीज आता है तो मैं ओवुलेशन के अभ्यामल लिख के देते, तो बाद में मैं ऊपर लिख के रखते हैं R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मेरी इल्म के तौर पे मैं इस पेशेंट के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ये कहीं नहीं लिखा कि ये कहीं नहीं लिखा है कि अब्बे शिफा के वजह से इनफर्टिलिटी ट्रीट कर सकता है, कहीं नहीं लिखा। लेकिन एज पर कैफियत, एज पर माहियत, अब्बे शिफा ओवुलेशन को प्रमोट करता है इफ आवर फिलोसफी, इफ आवर फिजिक्स इज राइट। फिजिक्स ऑलवेज हर जगह राइट होगा, एक जगह पर राइट एक जगह पर गलत नहीं, लिखने वाले अलग अलग लिखे गया होगा, ये बात अलग है। ओके थैंक यू कुछ लोग पूछ रहे क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन जी सलाम अलैकुम आंसर। सर, वालेकुम सलाम अस्सलाम, अलैकुम। और वालेकुम अस्सलाम, आज जुनैद बोल रहा हूँ बिहार से। हेलो, यस बिहार, आवाज से समझ में आता है भाई। अच्छा सर, बोला एक पेशेंट मेरे पास 2 महीने से है इनफर्टिलिटी की सर, उसका दो हेलो सर सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। हाँ, उसको 2-3 बार पहले कंसीव की थी, लेकिन 2-3 माह के बाद ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसका मिसकैरेज हुआ। बाद में वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में थी, फिर उसके बाद अभी उसका ये है कि उसको उसरे तम्स है। तम्स तो ड्यू डेट पे आता है, लेकिन उसका है कि कभी स्पॉटी होता है, कभी माने 1-2 बूंद आया फिर ये हुआ। जब से मेरे इलाज में आई है 2 महीने से, तो उसको पहले शुरू किया मैंने, तो थोड़ा सा उसका ब्लीडिंग बढ़ा है, ब्लीडिंग थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अभी भी मैंने क्लियर उसका ये नहीं हो रहा। जब भी उसका मेंस आता है तो उस वक्त थकान उसकी महसूस होती है, मैंने गिरानी कैफियत उसकी आती है, बोलती है काम करने का नहीं है, लेटी रहती है। तो अभी सर क्या उसको, अभी एक काम करो डॉक्टर साहब, अफसल स्टार्ट करो 1 TDS। अच्छा, अभी सर उसको हम दिए हुए हैं हब्बे मोदीर खास, हब्बे तिनकार और जवारिस जंजबील, ये तीनों गरम।
गुड़ दवा जी जी हाँ तीनों इसी वो देखे कि इसमें एक अफसल वन टीडीएस स्टार्ट रखो, बाकी सब दवा जारी रखो, सही आपने सही उसूल इलाज पकड़ा। हाँ मतलब कि उसको उसरे थम्स है तो बलगम कर कहीं ना कहीं गलबा है इसीलिए उसको कम हो रहा है। अच्छा सर इसमें एक चीज बताइए, जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में इनफर्टिलिटी में एटीटी ये लोग यूज करते हैं उसका क्या माने गर्म की वजह का क्या रीजन हो सकता है, उसमें उन लोगों को कहीं कहीं कामयाबी भी मिलती है? गर्म दवा से उन लोग का दवा में ज्यादातर गर्म दवा ठंडा दवा आई नहीं जी, क्योंकि पीरियड लाने के लिए भी पीरियड रोकने के लिए भी लोग ज्यादातर गर्म दवा इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा सवाल ये है कि तिब्बी यूनानी की बहुत सी किताबों में मैंने पढ़ा कि इनफर्टिलिटी का सबसे जो अहम काज है वो है वर्म रहम, तो इसका उसूल इलाज किस तरह से रहेगा? ये सही बात है कि वर्म रहम इसका मेन कॉज है? नहीं, गलत लिखा है, देखो गलत नहीं बोल सकते। वर्म रहम से मुराद क्या, मेट्राइटिस या सर्विसाइटिस? जी सर, पुराने जमाने में औरतों को सबसे ज्यादा आम होने वाली एक शिकायत थी सैलान रहम, लुकोरिया। जी सर, ये लुकोरिया की मेन वजह पुरानी किताबों में लिखा है वर्मे उनको रहम सर्विसाइटिस, वर्मे उनको रहम की वजह से सर्विसाइटिस होता है, मेट्राइटिस होता है, ये सब चीज की वजह से। ये नहीं बोल सकते कि तुम एक वजह नहीं है, नो डाउट ये भी एक वजह है, लेकिन कॉमन वजह नहीं। इसीलिए आप देखते होंगे यूनानी की पुरानी लिटरेचर में हर जगह पे ये सब जगह पे क्या लिखा, माजून मुकव्विये रहम लिखा है। अगर किसी को वर्म रहम है तो माजून मुकव्विये रहम नहीं चाहिए, वहां चाहिए माजून देबीदुल वर्द शरबत दीनार कैप उम्मा जदीद, सर्द खुश्क दवा चाहिए इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए, गर्म खुश्क नहीं है। तो याद रखो देयर इज वन रीजन इज द, ये रीजन ना नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्म रहम की मेन वजह सैलान रहम की अलामत था, इस वजह से सबको वर्म रहम मिलती है। ये अक्सर देखने को मिलते यंग जनरेशन में ज्यादातर औरतों को सैलान रहम मिलता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर एपीडी यानी सफरावी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक या दो क्वेश्चन है सर मेरे पास। एक आप बोले थे कि इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर रहा तो उसको ठंड बजेगी इवनिंग में, तो ऐसे हम लोग डायग्नोस करते हैं, क्योंकि मरीज तो बोलता नहीं कि मुझे बुखार है, दे आर नॉर्मल। लेकिन अब क्या ये बिकॉज ऑफ इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर या फिर उसको सर्द मिजाज की तरफ से उसको ठंड बजती है? अक्सर जो सर्दी मिजाज के लोग रहते हैं उनको ही ठंड बसती है, गर्म मिजाज के लोगों को नहीं लगती है। बेसिकली क्या होते हैं आदमी के मुताबिक मुकाबले में जी। औरतों के अंदर बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा फैट पाया जाता है, फैट चर्बी, तो चर्बी इज अ बेस्ट इंसुलेटर है औरतों को गर्मी बर्दाश्त कर सकते, आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते गर्मी। क्यों मालूम? वो चर्बी की वजह से। इसीलिए औरतें कितना कपड़ा पहनता है, इनर वियर पहनते हैं, उसके ऊपर एक अलग पहनता, फिर उसके ऊपर एक अलग पहनता, सब चार पांच कपड़े के बाद बुरखा भी पहनता है औरतें। आदमी हमेशा बटन खोल के गर्मी से हमेशा परेशान रहते। तो आदमी को अगर समझे कि इंसान को अगर बुखार आ गया तो वो हमेशा ये कहते कि मुझे ठंडी लग रहा है। अगर एक आदमी बाहर से बिल फील हाथ लगा के देखे तो ऐसा लग रहा है इसकी बॉडी बहुत गर्म है जी सर, तो पेशेंट क्या बोलते हैं, मुझे ओढ़ने की सलाहियत। ओढ़ते क्यों जबकि उसकी बॉडी गर्म है? तो बुखार के अंदर आदमी की बॉडी गर्म रहता है लेकिन उसको ठंडी लगता है। जो बिल फील गर्म है, बिल कैफियत भी गर्म है, उसको हाथ लगाने से भी गर्म लगता है, उसको बिल्कुल कंबल नहीं लगता है। दैट्स द मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस।
एंड यू रिमेम्बर, यू कीप इट माइंड डॉक्टर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट कॉमन. सबसे पहले तुम, तुम्हारे पास औरत एंट्री मारते देखो, दुबला पतला सैलान राम, पेट में एसिडिटी. ज्यादातर पेशेंट को मैंने देखा या अब्डोमिनल कॉक्स रहेंगे, ट्यूबरक्लोसिस या लाइट ट्यूबरक्लोसिस, देयर इज नो एनी अदर सिम्टम्स, नो खांसी, नो कफ, नो ईएसआर, एवरीथिंग विल बी नॉर्मल. तुम वो सब ध्यान मत दो, तुम उसको या तो माओलिया दो, सफूफ मुसक्किन दो, या उम्मा जदीद या डी बुखार, उसकी ट्रीटमेंट बुखार का करो, भले वो पेशेंट दूसरा बोले बिल्कुल नहीं, उसके बाद में यू कम टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ओवुलेशन. जी सर, जी सर. कभी कभी इफ पेशेंट इज एनीमिक, पेशेंट विल से द सेम थिंग, डॉक्टर रात में ठंडी लगता है, क्यों? HB is less than 9 or 8. That also you have to rule out differential diagnosis. If HP is low, मरीज बोलेंगे मुझे ठंडी लग रहा है. That is not बुखार. उसमें तुमको खून को बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि HB आदमी को गर्म रखता है, ये हीमोग्लोबिन. वो अगर कम हो गया तो बॉडी ठंडा होगा, वो ठंडक की वजह से भी ovulation will be delayed. Like the ovulation may be 16th, 17th, 18th or 19th day. जिसको वो लेडी को कंटिन्यू पीरियड्स रेगुलर था, लेकिन अब 2 साल से उसको ऐसा हो रहा है कि पीरियड्स के एग्जैक्टली 5 days बिफोर ब्राउन कलर की स्पॉटिंग होती है फॉर 5 days, एंड इमीडिएटली ऑन द नेदर डे लाइक 6th डे उसका पीरियड्स फिर नॉर्मल हो जाता, स्टार्ट होता N5 और 6 ऐसा बोल के फिर खत्म हो जाता. तो उसका अब ये रूटीन बन गया है 2 साल से, एवरी मंथ शी ब्लीड्स, बट बिफोर दैट ब्लीडिंग 5 days के बिफोर उसको ब्राउन कलर की स्पॉटिंग्स. फिर 6th डे उसको मालूम हो जाता है कि उसका पीरियड्स खुल के आने वाला है. तो देन व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अराउंड 35 to 37 समथिंग. हार्मोनल डिसबैलेंस बोल सकते हैं, यानी कि शी इज अप्रोचिंग अराउंड 40. मैरिड और बच्चे ही उसको? नहीं सर, दुबली पतली है, मैरिड है, बच्चे ही उसको, नॉर्मल बिल्ट है उसका. लेकिन वो उसको ऐसे हो गया कि उसका एक नॉर्मल रूटीन हो गया है, वो 2 साल से उसको पीरियड ऐसे ही हो रहा है. जी सर. HB क्या है? That is also normal, sir. No other criteria or comorbidities, anything. You do one thing, you just give her Moumiai capsule. Jee, sir. Jawari Zanjabil 10 gram at night. Jee, sir. Aur ek Abhyatinkar 2BD, kaafi hai. Jee, sir. Sure. Okay, thank you. Shukriya, sir. Shukriya. Thank you. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, one question I have. Yes, definitely. Welcome. सर, एक कपल है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो मेल पार्टनर हमारे पास आया था जिनका स्पर्म कॉन 29 था. तो उसको मैंने ट्रीट किया तो वो तो नॉर्मल हो गया है. लेकिन उसकी फीमेल पार्टनर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सर उसको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है, नजला खांसी जुकाम ऐसा होता रहता है. और जब भी मैंने उसका CBC करवाया लेस देन 10 HB आता है उनका सर. एक दो बार उसने कंसीव भी किया, अभी तक उसको कोई बच्चा नहीं है. एक दो बार कंसीव भी किया लेकिन प्रॉपर प्रेगनेंसी नहीं हो पाई. उसको उसका हेमोग्लोबिन मेंटेन करते हुए मैं परेशान हूँ सर. आपने क्या क्या दिया? उसको कुर्स कुश्ता खब्सुल हदीद दिया, जवारिश जालिनुस दिया, और फिर मैंने इसके साथ जो है एलोपैथिक मेडिसिन भी चला दी, ऑट्रिन XT, फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड, जिंक सल्फेट, फिर शरबत फौलाद भी दिया उनको, फिर मतलब कुर्स कुश्ता जवाहर, ये सारी भी दवाई भी रखी है. डॉक्टर साहब. जी सर. आपने रॉ मटेरियल मुहैया किया है खून बनने के लिए, आपने प्रोसेस सही नहीं किया. जी सर. आपने रॉ मटेरियल दिया लेकिन प्रोसेस नहीं दिया. पहले प्रोसेस सही करो, मैकेनिज्म. अब कभी नौशादरी 2BD. जी सर. माजिन देबीदिल वर 10 ग्राम. जी सर. अब्बे अजरा की 1BD, ये चलाओ 1 महीना.
जी सर, जिगर में हिद्दत कम हो गई उसका। जैसे वो मैंने LFT भी करवाया था और उसका थायराइड भी करवाया था। LFT नॉर्मल है, थायराइड भी नॉर्मल है। सुनो, एक हमेशा याद रखो, हम लोग जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम बोलते हैं ना मॉडर्न लोग को, तुम्हारे लिवर में थोड़ा गड़बड़ है, तो फट करके खुद जाके LFT चेक कर रहे हैं। LFT में SGOT, SGPT वगैरह मिलते हैं, दैट इज वही केमिकल एनालिसिस है। जिगर में हिद्दत बढ़ गया, जिगर में बरूदत बढ़ गया, इसके लिए कोई चेकअप नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल हिस्ट्री से ही समझ में आते हैं। थैंक यू। बस ना इनको, बस ना। हाँ शाम सर। हेलो, हाँ शाम सर, मैं पूछना चाह रहा था सर, हब्बे तिनकार जो है ओवुलेशन के लिए बलगमी मिजाज को दे सकते हैं क्या? वंडरफुल ड्रग है वो। अच्छा, सुनो, तिनकार का फर्स्ट 7 days तिंगा, यस, तिनकार का नाम क्या? बोरेक्स। सुहागा बोरेक्स, यस। उसका मिजाज क्या? गरम खुश, यस। उसका फल खवास क्या? मुखरीजे बलगम, यस। मुनफिसे बलगम, हरारत को पहुंचाते हैं, बलगम को तोड़ता है, सोने पे सुहागा। क्यों कहते हैं कि सोने पे सुहागा? सोने को पिघलाने के लिए सुनार लोग सुहागा डालते हैं ताकि सोना जल्दी पिघलता है। उतना गर्म नमकों में से एक नमक है सुहागा, इसीलिए तिहाई किस्म का काम करता है ओवुलेशन। जी सर, थैंक यू सर। हेलो सर, सर एक इनफर्टिलिटी का पेशेंट है हमारे पास, उसको सर ओवुलेशन सही टाइम पे होता है, हस्बैंड का सीमेन का काउंट आउट भी सब सही है। हेलो, हेलो, लेकिन सर उसको जब जब ओवुलेशन होता है तो एग जो है रेप्चर नहीं होता है, इसके लिए सर क्या करना चाहिए? तो ओवुलेशन बढ़ाने के लिए तो बात कर रहे हैं हम लोग अभी। नहीं सर, जो मतलब वो रेप्चर नहीं होता है क्या, सिस्ट बन जाती है? यस यस, रप्चर होने के लिए हम लोगों ने अभी डिस्कस ज्यादा किया। आप एक काम करो अभी, अबे तिंकार 2 BD। अच्छा ठीक है, अब कैप ऑफसेल 1 BD। अच्छा ठीक, जवारिश कलौंजी 10 ग्राम। ठीक है, ये हर महीना चलाओ उनको। अच्छा, पूरे महीने देना है सर? पूरे एक महीने? अभी पूरा महीना स्टार्ट करो, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। कहाँ हमारा मॉनिटर? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, सना बोल रही हूँ। यस सना, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह सर। स्टिल इन दुबई या कतर? सर वेरी सून मूविंग टू कतर, वेरी सून। कतर में यू हैव अ गोल्डन चांस, आई विल टेल यू लेटर, नॉट बी मी, बट बताऊंगा नहीं सर, बात करेंगे आपसे इस पे इंशाल्लाह। अभी वो एक लड़का गया BOMS में, कतर में मेन रॉयल फैमिली के अल्तानी फैमिली ने ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए यूनानी, या अपने 100 जूनियर है उसको, मैं हर दिन उसका रात में कॉल आता है, अभी इधर से लोग आ रहे हैं यूनानी, क्या उनको समझाओ अरबिक मेडिसिन, तो सब ग्रीन रूम में काम चालू है, इंशाल्लाह सबको बहुत सारे लोग का चांसेस है उधर। बोलो सर, क्या हुआ? सर एक पेशेंट है, उसको करीब 3 साल से ओलिगोमेनोरिया की प्रॉब्लम है, और उससे पहले उसका जो पीरियड्स थे वो नॉर्मल थे, फ्लो भी नॉर्मल था, 5-6 डेज नॉर्मल होता था, और 2 साल से उसको ये है कि टाइम पे स्टार्ट होते हैं, डिलेड नहीं है, लेकिन ब्लड ब्लीडिंग सिर्फ 2 या 3 दिन होती है। सर मैंने उसको हरारत बढ़ाने के लिए थोड़ी सी दवाएं दी, जोशांदा दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, ऑल्दो वो देखने में रतूबी लगती है, बिल्कुल क्लासिकल PCOD का, PCOD की पेशेंट लगती है, लेकिन उसके अंदर हरारत भी है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लेथार्जिक हो और एक्टिव इनएक्टिव, ऐसा नहीं है, शी इज अ वर्किंग लेडी, लेकिन सर मुझे लगता है खून की कमी है, तो रतूबत को, क्या इसमें रतूबत बढ़ाने के लिए कुछ दे सकते हैं? सुनो, उसकी एज क्या है? 30, अनमैरिड है सर। इसमें एक फैक्टर, मेंटल फैक्टर आ रहा है, समझा? इंसान को थर्ड लेयर है ना, 4 लेयर है, फिजिकल मेंटल इमोशनल और एक मेंटल लेयर का इन्वॉल्वमेंट है। अब आपका भी डायग्नोसिस सही है, थर्ड लेयर जो इमोशनल है उसमें थोड़ा सा खून से कनेक्टेड है, दिल से कनेक्टेड है। क्योंकि जब मेरे अंदर मैं खुश हो जाता हूँ तो मेरे अंदर एड्रेनालिन बढ़ता है,
एफिड्रिन बढ़ता है, बहुत सारे हॉर्मोनल की जो फ्लो, डोपामिन की जो फ्लो, जैसे आदमी को सेक्स बढ़ता है तो डोपामिन बढ़ता है, बहुत सारे हॉर्मोनल को जो चीज अपनी इमोशनल फैक्टर से बहुत सारे चीज कनेक्टेड है। हम लोग जो चीज दिखता है, जो चीज लेबोरेटरी से दिखता है, जो दिखता नहीं उनको हम कभी गिनता नहीं, ये हमारे साथ सबसे बड़ा मसला है। वो तो दुनिया का दस्तूर भी, जो दिखता वो बिकता है, तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ चीज, इसलिए यूनानी ज्यादा बिकता नहीं। तो यहाँ आप एक काम करो, गर्म तर दवा से उसको इलाज कराओ। ओके, गर्म तर दवा से मुराद प्रोटीन है सर। आप ये ईरानी सूप में जाके असारून मिलते हैं, असारून, यस सर, असारून को पाउडर करो। ओके सर, उसको एक दो एक ग्राम उसको शहद में मिक्स करके देखो। अच्छा सर, कौन सी पिक्चर में, हीना पिक्चर में था ना, असारून टोपी वाले, कोई गाना भी है। अच्छा, असारून लगाते थे, असारून टोपी वाले। असारून को पाउडर करके शहद में मिक्स करके दो। ओके, और इसको एक इमोशनल कहीं ना कहीं एक है, एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड है सर, वो है क्योंकि वो अनमैरिड है, एज हो चुकी है, फैमिली का प्रेशर भी है और वर्किंग भी है लेडी। एक होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। यस सर, साइकिक से स्टार्ट होके सोमैटिक ऑर्गेन पे असर पड़ता है। यस सर, जैसे डर साइकिक है। और मेरे पेट के अंदर चूहा दौड़ने लगा डर से, यानी एसिडिटी बढ़ रहे, दैट इज साइकोसोमैटिक। तो आप उसको थोड़ा काउंसलिंग करो, क्योंकि अगर मैं उनको समझाओ, अगर मुसलमान है पेशेंट तो इजीली हम काउंसलिंग कर सकते इस्लामिक वे ऑफ लाइफ में। यस सर, दूसरा उनको बोलो, ज्यादातर औरतें, अरब औरतें, इनका शादी 30 के बाद में होता है। इंडिया के जैसे नहीं, वहां के औरत लेट मैरिज होता है, क्योंकि वहां ज्यादा मेहर और इसका बहुत प्रॉब्लम होता है। यस सर, तो ज्यादातर अरब औरत को मैंने देखा 30-35 में शादी होते, लेकिन उनको 5-6 बच्चे भी होते, कि दे आप उसके बाद में लोग डाइट फूड एवरीथिंग दे विल मेंटेन करते, तो 40-45, 46-47 तक उन लोग फर्टाइल रहते। कभी कुछ अरबिक औरतें 50-52 में भी कंसीव होता है। यस सर, हम लोग क्या सोचते हैं कि 40 के बाद में हम लोग को मेनोपॉज हो जाएंगे, फिर एक बच्चे भी नहीं होंगे, तो ये स्ट्रेस उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस और उसकी खून बनने में बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट कर। डू अ गुड काउंसलिंग अलोंग विद दिस थिंग्स। ओके ओके सर, और सर एक और चीज, ये जो आपने इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर बताया, ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, क्यों एसी, अगर सपोज उसका इंटरनल एनवायरनमेंट ठंडा है तभी तो उसको एसी में ठंडक लगेगी, अगर वो इंटरनल गर्म है तो उसको तो एसी में अच्छा लगेगा ना। यस, तो अब उसको भी ठंडक कैसे लगेगी इवनिंग राइज में? इवनिंग राइज में ठंडक ये लगेंगे कि अगर एसी, वो बोलेंगे डॉक्टर सब लोग को एसी 24-21 मिली, इसको 26 में भी रखे तो बोलेंगे और थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो बोलेंगे। ओके ओके, मतलब वो या तो उठ के चले जाएंगे, वो कहेगी कि उसको और ठंडा चाहिए। यस, उसको और ठंडा चाहिए, राइट सर? यस यस यस, ओके सर। रुक्साना ने कोई डाउट पूछा, रुक्साना और एक बार रिपीट करो वो एस्पिरिन। यस, रुक्साना का सवाल है, रुक्साना बेगम, एस्पिरिन के ताल्लुक से, व्हाट इज एस्पिरिन? दर्द की गोली। यूनानी के हिसाब से एस्पिरिन एक हार या बिस मादा है, थर्ड डिग्री में। ये कई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्लड को डायल्यूट करने के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर भी, पेन किलर के तौर पर भी। ये क्या है, इंतहाई किस्म की मुहल्लिल भी है, गरम भी है, तहलील करता है। तो कभी कभी बहुत सारे पीरियड की डिसऑर्डर में, इनफर्टिलिटी में कसरत जो इस्तेमाल होता है एस्पिरिन डिस्पिरिन वगैरह, ये भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करता है इनफर्टिलिटी के अंदर। तो यू, और दूसरी एक चीज होता है कि एंटीहिस्टामिन, H2 एंटागोनाइजर, एंटीहिस्टामिन और जो जिंडाक रैंटिडिन, ये दो चीज इनफर्टिलिटी के अंदर, इनफर्टिलिटी सबब में अव्वल नंबर में आते हैं मेरे हिसाब से। इसको हम बोलते हैं ये आइट्राजेनिक, जो मैन मेड या मेडिसिन मेड डिजीज में हम गिन सकते हैं कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ एंटीस्टामिन, एक्सेसिव इंटेक ऑफ जिंडाक रैंटिडिन ओवुलेशन के ऊपर बहुत ही असर करेगी, ओवुलेशन को खत्म करेगी। और पीसीओडी का भी मेरे तजुर्बे के मुताबिक पीसीओडी का अहम रीजन है
एंटीहिस्टामिन का कसरत के इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मैंने अभी जो एस्पिरिन के बारे में सवाल किया था वो इसलिए था सर, क्योंकि कुछ लेडीज में जैसा रिकरेंट मिसकैरेज होता है तो वो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि बिकॉज जो ग्रोइंग फीटस है उसके ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स जो है थ्रोम्बोसिस होने की वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्ली मिसकैरेज लाइक थर्ड मंथ सेकेंड मंथ रिपीटेड 5-6-3 मिसकैरेजेस, तो ऐसी सूरत में मॉडर्न मेडिसिन में एलोपैथी डॉक्टर्स जो है एस्पिरिन देते हैं और प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी होती है, तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे यूनानी में जो है इस तरह की कोई मेडिसिन है कि अर्ली फीटल डेवलपमेंट में थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉट्स फॉर्म हो रहे हैं तो उसको रोकने के लिए। देखो वेल अगर सपोज अपनी प्रॉब्लम अगर वेल डिफाइंड है तो ट्रीटमेंट भी वेल डिफाइंड रहेंगे। यहां बेसिकली याद रखो जो अबॉर्शन की जो पैथोफिजियोलॉजी है या अबॉर्शन का जो मेटाफिजिक्स है दैट इज सफरावी यानी हैजानी कैफियत इंगुलाबी कैफियत इन यूट्रस लीड्स इन टू अबॉर्शन या मिसकैरेज। असल के अंदर एक इंगुलाबी कैफियत क्रिएट, दिस इज ओनली लाइक अंडर द कंट्रोल ऑफ सफरा, सफरा की कंट्रोल में ये जो ये मिसकैरेज वगैरह। तो यहाँ क्या होता है कि एस्पिरिन एक्चुअली इट एक्ट एज ए ब्लड थिनर, इट इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, उस वजह से सम एक्सटेंट इन सम केसेस इट इज हाईली बेनिफिशियरी। अदरवाइज कुछ लोग को दैट एस्पिरिन की एक्सेसिव इनटेक कैन लीड्स इनटू अबॉर्शन। अभी अक्सर ये पूछते डॉक्टर साहब अबॉर्शन में क्या क्या मतलब प्रेगनेंसी में यूनानी में क्या क्या अवॉइड कर, तो वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे प्रीनेटल या इंट्रानेटल या पोस्ट नेटल केयर के तहत उसे नेक्स्ट टॉपिक में रखेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या क्या हिकमत करना चाहिए वो नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि तो इसमें याद रखो बेसिकली सम एक्सटेंट मे बी 20-25% इट विल बी इफेक्टिव, जरूरी नहीं कि 100% वो पैथोफिजियोलॉजी एज पर एस्पिरिन इज कंसर्न इन यूनानी के हिसाब से इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कभी कभी इवनिंग रेस्ट ऑफ टेम्परेचर की वजह से या कोई बुखार की वजह से अगर इसको मिसकैरेज भी हो रहा है तो ऐसी जगह पे एस्पिरिन काम दे रहा होगा, जरूरी नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहा। दूसरी चीज ये जो क्या नाम उसका एस्पिरिन को एस्पिरिन की जगह हम दूसरी यूनानी के इतिबार से हम सर्द खुश्क दवा दे सकते, लेकिन आपने जो सवाल किया ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जो बार बार मिसकैरेज होते साइज नहीं हो रहे एज पर द वीक के हिसाब से बच्चे की ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है नारियल। अलबारी इसलिए हम नारियल की ही बात करेंगे क्योंकि नारियल डेली 50 ग्राम खिलाओ उनको। नारियल में क्या क्या है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, कंप्लीट फूड है नारियल। उसकी ग्रोथ मैंने इतनी केसेस है मेरे पास डॉक्टर साहब हर महीना डॉक्टर साहब बोलते हैं कि वजन नहीं बढ़ रहा है तो निकालना पड़ेंगे आपको डीएफसी करना पड़ेगा। मैं बोला अगर यूएसजी नहीं रहा तो आपको कैसे मालूम पड़ा आपके बच्चे का ग्रोथ थोड़ा सा डिले, तो वैसे पेशेंट को मैंने ये दिया था आके पेशेंट आके डॉक्टर साहब आपके आपने जो बताया उसके मुताबिक हम चले तो बच्चा 3.5 किलो वजन था, खूबसूरत एकदम गोरा गोरा, इतना रिजल्ट मिलते हैं उनको नारियल से। हम लोग क्या जाफरान से दूध पीता है ये सब, लेकिन सबसे बेहतर मेरे मुजरब में नारियल बताते हैं सबको एज अ फूड के तौर पर। दो पेशेंट्स के ऊपर मैंने सब्जम यूज किया, एक पेशेंट था जो आफ्टर डिलीवरी उसके लिगामेंट्स में पेन हो रहा था बिलो नेवल पेल्विक रीजन में बहुत पेन था सर, रोगन बाबूना में सब्जम मिला के उसकी एक दिन मालिश करवाई उसके एक ही दिन में उसका वो पेन चला गया जबकि काफी दिनों से नहीं जा रहा था सर। दूसरा ये कि ब्रेस्ट में सिस्ट का पेशेंट था, डॉक्टर ने उसको FNAC बताई थी और उसके मैंने आपसे पूछा भी था उसके बारे में और डॉक्टर ने कहा था कि वो मैलिग्नेंट भी हो सकता है सर। उस ब्रेस्ट के ऊपर मैंने बाबूना और रोगन कुस्त के तेल में सब्जम डाल के उसकी मसाज करवाया सुबह शाम, एक हफ्ते के अंदर वो एप्सस में कन्वर्ट हो गया और अपने आप वो उसमें से वो डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया और सर पूरा काला काला फ्लूइड करीब उसके 15 दिन या 20 दिन निकला है और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पेशेंट हो गई अलोंग विद हिजामा सर। उसको नेचुरल ड्रेनेज हो गया
नेचुरल ड्रेनेज हो गया सर, और बिल्कुल सही उसका जो 2 साल पुरानी प्रॉब्लम थी। तो सर ये सब्जम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। थैंक यू। ओके, सब्जम का नहीं, यूनानी का। यूनानी का सर कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ सर, सब्जम डिस्मेनोरिया में भी इफेक्टिव है, वेरी इफेक्टिव है डिस्मेनोरिया में। बोलो सर, आप कुछ कह रहे थे? आप कह रहे थे नहीं सर, आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं नहीं आप, वो मैं तो बंद करने जा रहा है। अच्छा ठीक सर। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, जैसे आपने बताया कि ओव्यूलेशन के लिए गर्मी जरूरी है, और जिस तरह आपने बताया कि अरबों में जो तो डिलेड फीमेल्स के जो शादियां है, मैरिज है, 30-35 के बाद होती है, लेकिन फिर भी बच्चे ज्यादा है, क्या इसकी एक खास वजह वहां की जो विजा है मजूर जिसे मुकम्मल गिजा कहा गया है? मैं इसलिए रिपीट किया, क्योंकि ये जो पहला जैसे कुरान में दिया गया है मरियम अलैहि सलाम के ताल्लुक से जो वजह हमल हुआ था, उनको जो गिजा दी गई थी वो खजूर थी। तो एक मुफरत दवा हम आज भूल रहे, इसलिए मैं याद दिलाने के लिए मैं चाहता हूँ कि उस पर आप थोड़ा सा 2 मिनट में बताइए कि खजूर का क्या रोल है इसके अंदर। देखो डॉक्टर साहब, आपने जो बताया मुकम्मल गिजा वही है, क्योंकि मैं अक्सर हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज सेहत से किया करो, दवा से नहीं। दवा से अगर सेहतमंद रहा हो तो आजकल दुनिया के तमाम मेडिकल कॉलेज अगर बंद हो गए होते अभी तक। हमेशा हर सेहत का इलाज, बीमारी का इलाज सेहत से करना चाहिए, और सेहत के लिए बेहतरीन चीज है खजूर। और ये जो ओवुलेशन बेसिकली हमको पढ़ाया गया खासतौर से एशिया में 14-40 बताया गया, 14-40 तक ओवुलेशन यानी फर्टिलिटी या फर्टाइल पीरियड माना जाता है। जबकि अरब ममालिक में या कुछ दूसरे ममालिक में आप देखते होंगे 45 में 50 में 55, यासर अरफात की जो बीवी थी नुहा या सुहा कुछ थे, 56 में डिलीवरी हो गई उसकी, चीज फलस्तीनियन थी, यहूदी थी। तो इससे ये साल पाकि उनकी जो गिजा है, ज्यादातर उनकी गिजा में अरब गिजा में मैंने देखा मगजियात का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बादाम पिस्ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो है ना कुरान में कहा सबसे आमनत यानी सुकून की एक 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 कंट्री बताया गया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक दुआ भी थी, इस कंट्री को आप सुकून का अमन का, मतलब हर गिजा हर मौसम में मिलता है हमको, आम हिंदुस्तान में सिर्फ आम के मौसम में मिलता है, लेकिन सऊदीया में यहाँ के आम खत्म होते पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान के मौसम खत्म होते अफगानिस्तान से आते हैं, दुनिया गोल है। तो 365 डे में भी हर चीज वहां मिलता है। तो वहां की औरतों में गिजा बाकायदा खाने की वजह से मैंने, मेरा बहुत सारे इमाराती लोकल पेशेंट है, मोर देन 75% भी 25-30 के बाद में वहां शादी होता है, या 18 साल की उम्र में 3 दिन बच्चे हो जाते हैं, 40 में पूरा रिटायर्ड हो जाता है औरत, और 50 में आदमी भी रिटायर हो जाते हैं। हम जो रिटायरमेंट की लाइफ गुजारते हैं उन लोग जिंदगी शुरू करता है। ओके, थैंक यू।